सीहोर जिले के ग्राम ढाबला केलवाड़ी के किसान भरत सिंह मेवाड़ा और रवि परमार ने अपनी 3 एकड़ की खराब कटी सोयाबीन की फसल में आग लगाकर उसे नष्ट कर दिया। जी हां, इधर ग्राम चंदरी के किसान व समाज सेवी MS मेवाड़ा द्वारा विगत 1 माह से कई गांवों के किसानों के साथ अतिवृष्टि से खराब हुई सोयाबीन की फसल का सर्वे कराकर बीमा व मुआवजा दिलाए जाने के लिए कमिश्नर से लेकर तहसीलदार तक ज्ञापन दिया गया, लेकिन शासन के कोई कार्रवाई नहीं किए जाने की वजह से किसानों ने काफी चिंतित होकर अपनी सोयाबीन की फसल को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। बता दें, मध्य प्रदेश में किसान लगातार सोयाबीन की फसल के भाव को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच किसानों की सोयाबीन की फसल भी भारी बारिश की वजह से खराब हो गई, जिससे किसानों का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है और वे परेशान हैं। किसानों का कहना है कि सरकार हमारी बिल्कुल नहीं सुन रही है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सरकार किसान हितैषी सरकार के नाम से जानी जाती है, लेकिन किसानों की सोयाबीन की खराब फसल को लेकर प्रदेश सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखाई दे रही है। किसान परेशान है। में सोयाबीन की फसल थी वो खराब हो गई, मजदूर की लागत तक नहीं निकली, इसलिए मुझे सोयाबीन की बर्बाद फसल में आग लगानी पड़ी। पूरा राजस्व विभाग, कोई भी पटवारी, तहसीलदार, कोई भी सर्वे करने नहीं आया, कोई मुआवजे की राशि नहीं मिली और बैंक से भी KCC में भी प्रीमियम काट लिया है, उसका भी कोई मुआवजे की वो नहीं। ढाबला केलवाड़ी का रहने वाला भारत सिंह मेवाड़ा, मेरा 12 एकड़ का खेत था जो मेरा मजदूर का पैसा नहीं निकल रहा था, इसलिए मैंने मेरी सोयाबीन की फसल में आग लगा दी, क्योंकि मुझे अगली बुआई की तैयारी करना है। भरत सिंह मेवाड़ा किसान है, ग्राम ढाबला के है और 12 एकड़ जमीन है इनके पास। सोयाबीन खराब होगा बरसात में, तो खराब सोयाबीन की फसल में आग लगा रहे हैं, आग लगाकर नष्ट कर रहे हैं दुखी परेशान होकर के। इनका कहना है कि कोई भी अधिकारी सर्वे करने तो आया नहीं, अब अगली फसल की तैयारी करेंगे गेहूँ बोने की, इसकी खेत पापने के लिए सोयाबीन की फसल में आग लगा रहे भरत सिंह मेवाड़ा। ये सीहोर जिला के हैं और इनकी 12 एकड़ जमीन है। भरत सिंह मेवाड़ा की ढाबला गांव के रहवासी है, अपने खेत में खराब पड़ गई सोयाबीन में आग लगा रहे हैं।